एक अच्छी प्रोसेस ये डिसाइड करती है कि आप किस क्वालिटी का डिज़ाइन बना रहे हैं। अगर आप डिज़ाइनिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्राइस पर चलते हैं तो आप एक बढ़िया डिज़ाइन बना सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट अपने डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं, ना आपने कोई स्टेप फॉलो की हो, आपने कुछ भी नहीं किया, तो आप एक बेकार डिज़ाइन बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने डिज़ाइनिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो बिना किसी देरी किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यस फ्रेंड्स, तो मैंने अपने डिज़ाइनिंग प्रोसेस को स्टेप्स में डिवाइड किया है, जिसको हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है रीडिंग ब्रीफ एंड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द क्लाइंट्स। जब मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाता है तो मैं सबसे पहले उसकी बात सुन लेता हूँ, उसके माइंड को रीड कर लेता हूँ कि वो क्या चाहता है। इसके बाद मेरे जहन में जो क्वेश्चन आते हैं मैं वो क्लाइंट से वन बाय वन पूछ लेता हूँ, जो भी क्वेश्चन जो भी डाउट मेरे जहन में आ रहे होते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप वो है रिसर्च। क्लाइंट से क्वेश्चन करने के बाद, अपने माइंड को क्लियर करने के बाद, मैं चलता हूँ गूगल पर, या एक आप कोई भी साइट यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ। मैं चले जाता हूँ गूगल क्रोम पर और अपने क्लाइंट के डायरेक्ट कंप्यूटर को सर्च कर लेता हूँ, और वहाँ से मैं 9 या 10 आइडियाज़ उठा लेता हूँ। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में जब मैं 9 या 10 आइडियाज़ गूगल से ले लेता हूँ, उसके बाद मैं कॉपी और पेंसिल उठा लेता हूँ और उसमें 2 या 3 कंसेप्ट बना लेता हूँ उन आइडियाज़ से। अब आता है चौथा स्टेप। तो फोर्थ नंबर स्टेप में मैं सबसे बेस्ट जो कंसेप्ट है वो उठा लेता हूँ और उसको डिज़ाइन कर लेता हूँ। अब आता है पांचवा स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप में मैं रिलेवेंट मॉकअप उठा लेता हूँ और अपने डिज़ाइन को उस मॉकअप में पुट कर लेता हूँ और अपने क्लाइंट को शो कर देता हूँ। इसके बाद अगर क्लाइंट को कोई चेंजेस करानी हो, या क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा, या कुछ भी हो, तो हम उसमें चेंजेस कर लेते हैं क्लाइंट के हिसाब से। और छठे नंबर प्रोसेस में मैं अपने क्लाइंट से फीडबैक के बारे में पूछ लेता हूँ कि वो मुझे क्या फीडबैक देता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे ख्याल से आपको मेरा प्रोसेस बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं और आप क्लाइंट के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आज के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें। चलता हूँ अब और हाजिर होता हूँ एक अलग कंटेंट के साथ बहुत जल्द ही। थैंक यू।